नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल लर्न टेक पॉइंट में। तो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर से किस तरह अपने खेत या मैदान का खेतौनी निकालवा देख सकते हैं कि आपके पास कुल कितने बीघे खेत या मैदान हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल, आपको अपने फोन या कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में लिखना है भूलेख। मैं लिख दे रहा हूँ भूलेख और सर्च कर देना है। उसके बाद टॉप में जो वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनपद चुने में बहुत सारे जनपद आ गए हैं, तो इसमें आपका जो जनपद हो आप वो अपना चूज कर लीजिए। देख सकते हैं कितने सारे जनपद आ गए हैं, आपका जो जनपद वो चूज कर लेना। मेरा जैसे कि अयोध्या है तो मैं अपना अयोध्या चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद तहसील चुने, आपका खेत जिस तहसील में लगता है यहाँ पे उस तहसील को आपको चुनना है। जैसे कि मेरा रुदौली में लगता है तो मैं रुदौली पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ग्राम चुने, इसमें बहुत सारे ग्राम आ गए हैं, तो जिस ग्राम में आपका खेत है आप उस ग्राम को चुन लेंगे। अगर इस तरह आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जैसे मेरा माँ से स्टार्ट होता है, माँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो माँ से सारे ग्राम आ गए। तो मेरा मुजफ्फरपुर है, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें आपको खसरा या गाढ़ा संख्या के द्वारा खोज सकते हैं, खाते संख्या के द्वारा भी खोज सकते हैं तथा खातेदार के नाम के द्वारा भी खोज सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको तीनों के माध्यम से बताने वाले हैं कि तीनों के माध्यम से किस तरह खोज सकते हैं। तो सबसे पहले हम गाटा संख्या के द्वारा खोजते हैं। उसके लिए सिंपल आपको गाटा संख्या वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना गाटा संख्या डालना है अपने खेत या मैदान का। जैसे कि मेरा गाटा संख्या 203 है, तो यहाँ नीचे की पैड दिया हुआ है, इसी के माध्यम से हम टाइप कर ले रहे हैं 203 और खोजे पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ओपन हो किया जाएगा। उसके बाद उद्धरण देखें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है, तो यहाँ सिंपल आपको कैप्चा फिल कर देना है। मैं अपना कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कैप्चा में आप कैपिटल का इस्तेमाल भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना यहाँ पे चल जाता है। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा निकल के बायोडाटा आ चुका है कि आपके पास कुल कितना खेत है, वो भी गाटा संख्या के द्वारा। देख सकते हैं ग्राम का नाम मुजफ्फरपुर, परगना रुदौली, तहसील रुदौली, जनपद अयोध्या, खातेदार का नाम, पिता पति संरक्षण का नाम, निवास स्थान। देख सकते हैं यहाँ पे कुल इनके पास 0.4460 हेक्टेयर खेत है जो कि बलराम तथा राम मगन के पास है। अब आपको हम नाम के द्वारा निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह नाम के द्वारा निकलता है। अभी गाटा संख्या के द्वारा निकल के आ चुका है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब नाम के द्वारा सर्च करके निकालते हैं। चलिए नाम के द्वारा ही सर्च कर लेते हैं। तो नाम के द्वारा सर्च करेंगे, लिखेंगे जैसे बलराम नाम है तो यहाँ पर बलराम टाइप कर देंगे। नीचे यहाँ पे भी दिया हुआ है तो यहीं से टाइप कर दे रहे हैं बलराम। उसके बाद खोजे पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बलराम बहुत सारे आ गए हैं। तो जो बलराम पिता का नाम है, जैसे मेरा लाला नाम है तो मैं सबसे टॉप वाला चूज कर दे रहा हूँ। उसके बाद उद्धरण देखें पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपल सा कैप्चा वही फिल कर देना है। तो मैं अपना कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कैप्चा में स्मॉल कैपिटल का कोई मैटर नहीं है, आप कैसे फिल करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा।
उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह नाम के द्वारा भी सर्च करके निकल आया है मुजफ्फरपुर परगना रुदौली और तहसील रुदौली जनपद अयोध्या का, इतना सारा डाटा पर निकल के आ चुका है। अब जो है हम तीसरे माध्यम से बताएंगे कि किस तरह निकल है, खाता संख्या के द्वारा कैसे निकालते हैं। सिंपल, आपको खाता संख्या द्वारा खोजे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना खाता संख्या भरेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है खाता संख्या भरें, तो मेरा खाता संख्या 194 है, तो सिंपल नीचे की पैड दिया हुआ यहाँ से हम टाइप कर लेंगे 194 और खोजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं 194 से आ गया है, उद्धरण देखे पर क्लिक करेंगे। सिंपल आपको अब कैप्चा फिल कर देना है, मैं अपना कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि वही निकल के आ चुका है पूरा मुजफ्फरपुर रुदौली अयोध्या, वो भी खसरा संख्या के द्वारा। तो आप देख सकते हैं तीनों तरीके से आपको पता चल गया होगा कि गाटा संख्या के द्वारा, खाता संख्या के द्वारा तथा खातेदार के नाम के द्वारा, खातेदार तथा खातेदार के नाम के द्वारा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर